My father is a great man. He is my superhero. A lot of people tell me that we look exactly the same. I call him Mr. Poppy. He is a doctor. Wo stethoscope wale nahi, wo PhD wale. He's 65 and a very simple guy. He is a very well-read man. Ask him about anything, he knows his stuff. So one day out of curiosity, I asked him, Mr. Poppy, what is crypto? And he went blank. God damn. At first, I was taken aback, but then the next moment, I realized that this is my moment to shine. This is the first time in my entire life when I will teach him something. Something that he doesn't know. But the only problem is, crypto ke baare mein, mujhe bhi kuch nahi aata. Hey Siri, what is crypto? Tai bata tere ko. Vedant, what is cryptocurrency? अरे क्रिप्टो क्या है अंकल, आपको पता है क्रिप्टो क्या है? I'm done with the research. Now let's go and teach Mr. Poppy our cryptocurrency. लेकिन एक माहौल बनाएंगे सिखाने से पहले, ठीक है? Let's go. So what is crypto? आपको क्रिप्टो के बारे में कोई आइडिया नहीं? एकदम नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम ब्लैंक. सिर्फ क्रिप्टो के बारे में सुना है. क्या है? ओके. तो हम क्रिप्टो की बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्रिप्टो की बिगनिंग शुरू होती है 2009 से. एक इंसान है सतोशी नाकामोटो, या कबूतर है, चूहा है, बिल्ली है, एलियन है, किसी को नहीं पता, ठीक है? लेकिन उसने एक पेपर लिखा, वाइट पेपर, जो उसने इंटरनेट पर डाला, जिसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया. 2010 में गायब हो जाता है, ऑफ द ग्रिड, नोबडी नोज वेयर दिस सतोशी नाकामोटो इज. तो आज तक किसी को पता नहीं कि ये स्टार्ट किसने किया. ये जो सतोशी नाकामोटो था, इसने सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट करी, जिसका नाम था बिटकॉइन, जो सबको पता है. तो बिटकॉइन जो है वो सबसे ज्यादा फेमस क्रिप्टो करेंसी है इस टाइम पे. और आज तक ये जो इंडिविजुअल है, ये जो ग्रुप है, ये ओन करते हैं 9, 8, 1, 2, 3. बिटकॉइन के अलावा भी कुछ इस तरह का और भी है कुछ? देयर आर 4500 काइंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, ठीक है? लेकिन ये जो भी इंसान है सतोशी नाकामोटो, ये 980,000 बिटकॉइन ओन करता है. एक बिटकॉइन जो है उसका प्राइस अभी इस टाइम पे इंटरनेट पे, इस टाइम पे 33,40,000 समथिंग प्राइस चल रहा है. इमेजिन इसको आप अगर उसे मल्टीप्लाई करो तो दिस पर्सन जो भी एक ग्रुप है, या तो बिकम्स द रिचेस्ट ग्रुप और इंडिविजुअल इन द एंटायर वर्ल्ड. तो ये हमारा एज ए शुरुआत हुई थी. तो इस पे तो लोग जरूर सोचते होंगे कि भाई कौन आदमी, बहुत रिसर्च हुआ है लेकिन आज तक पता नहीं चला है. तो ऑरिजिन के बारे में आपको पता चल गया. सो व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल टेक्नोलॉजी. कोई भी चीज, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी वो होती है जो आप फिजिकली, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो. सो क्रिप्टो इज बेसिकली, क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो इज इक्वल टू अ कोड. क्रिप्टो जो होता है वो एक कोड है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है? कंप्यूटर के अंदर एक कोड है जो स्टोर होता है. क्रिप्टो के बारे में एक चीज और बहुत अच्छी है कि इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एसेट. बड़ा खतरनाक वर्ड है लेकिन बहुत सिंपल है. इट इज नॉट ओन्ड बाय और रेगुलेटेड बाय एनी इंडिविजुअल. तो ये जो है, ये सारे के सारे ब्लॉक्स हैं, ये जो सारे हैं ये नोड्स हैं, ठीक है? ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय नोड्स, एंड इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में ऑल द ब्लॉक्स कंटेन पब्लिक ट्रांजैक्शन का डेटा, ठीक है? जो भी पब्लिक ट्रांजैक्ट कर रही है, जो भी डेटा ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो इसके अंदर स्टोर हो रहा है. लेकिन इसकी बेस्ट बात ये है कि एवरी ब्लॉक कैन एक्सेस एवरी डेटा. इट इज कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है? दैट इज व्हाई इट इज सेफ. हाउ इज इट सेफ? बिकॉज इफ समवन दिस इंडिविजुअल इज अ डार्क इंडिविजुअल, and this individual wants to delete this data, this individual will have to delete this particular data everywhere. Here. But पूरी दुनिया में कितने सारे ऐसे blocks हैं? आप समझ रहे हो? तो अगर इस इंसान को ये particular data उड़ाना है या duplicate करना है, वो नहीं हो पाए. क्योंकि उसको ये हर जगह करना पड़ेगा, which is physically impossible right now. मतलब ये this provides security. Security. Wonderful. It provides security and safety. हमको तो बहुत समझ में आ रहा है, जो एक चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आनंद को जितना ये जान रहा है इतना, कनिष्क को जितनी इतना कर लिया, अगर शुरू कर लेता तो पता नहीं और क्या कर लेता. सो वंडरफुल, इतना नॉलेज कहां से लेके चले आए भाई? तो अच्छा नहीं कर रहा क्या मैं जिंदगी में यार? अच्छा कर रहा, अपने बाप को पढ़ा रहा हूं और क्या कर रहा हूँ. ये मैं बार बार कह रहा हूं कि सेफ क्यों? क्योंकि जो इंटरनेट है उसके तीन स्टेजेस, ठीक है?
पहला था एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हो, दूसरा यू आर रिएक्टिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन कि आपको पसंद आया, शेयर किया आपने, लाइक किया, ठीक है, आप उसके ऊपर कोई रिएक्ट कर रहे हो, तो दिस वॉज रिएक्शन ऑफ उसमें। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये थी कि आपका जो डेटा था वो सबके पास पहुंच रहा था और जो बड़ी कंपनीज है उनके पास हमारा बहुत सारा डेटा एक्चुअली है और इस टाइम पे पूरी दुनिया में ऑयल से ज्यादा महंगा इस डेटा, तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप आर डेटा सेफ। मैं क्यों बताऊं किसी एक्स वाई जी कंपनी को कि भाई मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए तो मैं खुद ढूंढ लूंगा ना, है ना। तो ये चीज है, तो इसलिए आया सेफ्टी। भाई देखो मैं 2-3 घंटे पढ़ाई करके गलती वलती हो गई तो कमेंट में लिख देना। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो सारा डेटा, ये पब्लिक डोमेन में है, मतलब एनीबडी कैन एक्सेस इट और ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये डेटा 2009 का है कि 2013 का है। कभी कभी डेटा कोई भी इसको ब्लॉकचेन में जो भी एनरोल्ड है, मतलब जो भी उसका पार्ट है ब्लॉकचेन का, एनीबडी कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इट इज नॉट ओनली इन क्रिप्टो, इट कैन बी यूज्ड इन अ लॉट ऑफ अदर स्पेसेस, जैसे एजुकेशन हो गया। एजुकेशन में अगर किसी की मार्कशीट है, आपने इसमें डाल दिया, मार्कशीट इसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई। अब कोई घटिया स्टूडेंट है मुझे ऐसा जो क्या पता ऐसे टाप वाप के जाके मार्कशीट अपनी डिलीट करना चाहे तो नहीं कर पाया, क्योंकि मार्कशीट हट जाएगा भाई जान, it is everywhere, you have to delete it from everywhere, doesn't make sense। तो आपके जो student है ना college में, my father is a teacher, तो आपके जो student है ना college में, आप उनको बता देना कि अब से मैं blockchain start कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए आप इसको एजुकेशन सेक्टर में यूज कर सकते हो, इसको आप रिसर्च सेक्टर में यूज कर सकते हो, जैसे भैया का पूरा काम ही डेटा का है, है ना, तो जो भी डेटा है उसने स्टोर किया एंड इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन एंड इट कैन नॉट बी टैम्पर्ड विद, समझ रहे हो, कैन नॉट बी टैम्पर्ड विद, इसको डिलीट नहीं किया सकता, दैट इज व्हाई इट इज एक्सट्रीमली safe and extremely important yes yahan tak koi sawal nahi no you are a great student and I'm a great teacher but you are a better teacher thank you so much bhai lekin bada maza aa raha hai itni gehri baatein kar raha hu na okay test mein pehli baar aap log please ya comment mein likh dena ki kanishk is actually an intellectual and you know where I get my intellect from right there jiske bare mein mujhe kuch nahi pata tha mujhe bas bitcoin pata tha cryptocurrency pata tha ki kuch digital hai lekin padhne ke baad it's quite interesting this concept is it blew my mind There are more than 4500 kinds of cryptocurrencies. जिसमें से सबसे famous कौन सा है? Bitcoin. Bitcoin, right there. We also have Ethereum. फिर एक है Dogecoin. ये पता क्या था आपको? Actual story, not making it up. ये एक coin था जो internet पे ऐसे चल गया. तो अभी ये जो generation है ना, ये meme की generation है कि मतलब एक दूसरे को लोग jokes share करते हैं. आप भी तो कभी-कभी मेरे को कुछ photo तो भेजते हो. जैसे आप मेरे को सुबह-सुबह फूलपति good morning भेजते हो, वैसे पूरी दुनिया memes भेजते हैं एक दूसरे को, ठीक है? तो internet पे एक joke चला कि यार मैं ना एक cryptocurrency start कर रहा हूँ जिसका नाम है Dogecoin, पता नहीं जो भी बोलते हैं। तो उसमें एक कुत्ते की फोटो है, ये कुत्ता भौ-भौ कर रहा है। लोगों ने ये बोला कि तूने स्टार्ट किया है तो हम थोड़ा सा ट्रेड कर लेते हैं। उन्होंने इसमें थोड़ा बहुत डाल दिया पैसा एंड इट एक्चुअली बिकेम अ क्रिप्टो करेंसी और इस टाइम पे ये एक्चुअली हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू। सो दिस इज Dogecoin, सो देयर इज दिस लाइट कॉइन, तो ऐसे करके बहुत सारे हैं जिसमें से सबसे फेमस ये बिटकॉइन। अब आते हैं बिटकॉइन पे, बिटकॉइन सबसे इंपॉर्टेंट है तो हम इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। बिटकॉइन के ऊपर बात नहीं करेंगे तो ये पूरा जो हमारा सेशन है, जो हमारी क्लास है, इट डजंट मेक सेंस। बिटकॉइन जो है वो सबसे फेमस है, सतोशी नाकामोटो ने स्टार्ट किया था जो मैंने आपको बताया। अब सीन ये है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है ना, ये सारी की सारी एक एसेट है। बिटकॉइन जो है वो एक एसेट है जैसे गोल्ड होता है, ठीक है? अगर आपको गोल्ड हर जगह मिले आपको लगता है उसका कोई वैल्यू होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका सप्लाई बहुत ज्यादा है ना। तो सतोशी नाकामोटो ने बोला कि 21 मिलियन के बाद कोई भी बिटकॉइन आगे माइन नहीं हो सकता, दिस इज द लास्ट, ठीक है? तो इतना लिमिटेड सप्लाई है बिटकॉइन, ठीक है, व्हिच मेक्स इट अ ग्रेट एसेट। एक बिटकॉइन का प्राइस इज 33.78 लाख इंडियन रुपीज, ठीक है? मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक वीडियो देखी जो एक इंसान ने 2010 में बनाई थी। तो उस वीडियो में वो इंसान कह रहा है कि प्लीज $1 डाल दो बिटकॉइन के अंदर, $1, और आज उस $1 की वैल्यू इतनी है। अगर किसी ने किया होगा तो बहुत बड़ा मिस्टर पॉपी आपको और मुझे कर लेना चाहिए था। एकदम सही बात, 70-75 रुपए में 33 लाख मिल रहा, पूरी इंजॉयमेंट चलती है। सही बात। यहां तक आपको समझ आया? एकदम क्लियर, बिल्कुल। अब हम वही करने वाले जो 9th क्लास में 10th चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे बोलते हैं थ्योरी तो पढ़ ली, प्रैक्टिकल का टाइम है लेकिन वो नहीं कर पाते, लेकिन हम करेंगे। आओ पिताजी आओ। गणेश हां, उनको बैठने दो, तुम खड़े रहो। यार ही इज अ टीचर। Nice to meet you. My name is Circumstances Priyadarshi. Circumstances are the best teachers. मैं अच्छा टीचर हूँ कि नहीं? Yes, of course. Thank you so much. तो अभी मैंने आपको बेसिक समझाया, आपको बेसिक्स आपके क्लियर हो गए। तो देखो क्रिप्टो जो होता है ना वो एक एसेट है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप उसमें पैसा डालते हैं तो आई थिंक इट इज अ गुड स्टोर वैल्यू कि आपका जो पैसा जो है वो बढ़िया जगह पे लगा हुआ है।
ठीक है, अब सीन है कि कैसे करें। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कॉइन स्विच कुबेर को, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी क्रिप्टो के बारे में पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर कॉइन स्विच कुबेर नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता, और ये जानते हैं बहुत अच्छे से, और मैं भी जानता हूँ। आपको लगता है मैं कभी पढ़ता? आपने मुझे आखिरी पढ़ते हुए कब देखा था ये बताओ, कब देखा? पढ़ते हुए तो पता नहीं, भूल गया हूँ कब देखा था। सही है, मैंने पता नहीं भाई, अरसों पहले पढ़ाई करी थी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे लिए पर्सनली ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ओके टेस्ट में किसी को सिखाऊंगा, और जिसको सिखाऊंगा वो मेरे पिताजी होंगे, मिस्टर पॉपी। इट वॉज अ वेरी वियर्ड नाइस एंड हैप्पी एक्सपीरियंस। एंड पापा के साथ शूट करते करते मेरे को पहली बार ठंड, मेरे हाथ भी ऐसे थोड़े ठंडे हो गए थे। मैं यूजुअली ऐसे डरता नहीं हूँ, पता नहीं फर्स्ट टाइम कर रहा था। आई एम हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो कुछ भी नहीं जानता था इस क्रिप्टो के बारे में, तूने काफी इस पर मेहनत किया। बेसिक्स क्लियर हो गए आपके? बेसिक्स तो एकदम एब्सोल्युटली क्लियर हो गए कि क्या है ये, ट्रेड करने के लिए इट इज सेफ। तो यहाँ से ये अपन ने एप्लीकेशन खोला कॉइन स्विच कुबेर, इसमें आपको पिन डालना है बिकॉज इट इज सिक्योर सो दैट नोबडी एल्स कैन एक्सेस इट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जितना भी ऑलरेडी पैसा है, जैसे मेरे पास तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद KYC डिटेल्स जो है, बेसिकली KYC स्टेटस, बेसिक डिटेल्स, पैन डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, सो दैट इट इज मोर सिक्योर, ठीक है। सो दैट द एप्लीकेशन नोज दैट यू आर दी ओनली पर्सन दैट यू आर, यू आर जेन्युइन पर्सन, जेन्युइन पर्सन, यू कांट लाय और यू आर नॉट अ रोबोट, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी क्रिप्टोज हैं सारे हैं, बिटकॉइन हो गया, दिस इज इथेरियम, दिस इज वो जो डॉज कॉइन बताया था, डॉगी कॉइन जो भी है वो, ठीक है। अब इसमें कैसे ट्रेडिंग करना है वो बहुत सिंपल है, आपको इसको खोलना है। ये जो एप्लीकेशन है इसका यूजर इंटरफेस इज वेरी इजी, सो दैट एनीबॉडी फ्रॉम एनी एज ग्रुप कैन एक्सेस इट विद ईज, ठीक है, सिंपल। तो ये जो है, ये जो फ्लक्चुएशन है, ये बेसिकली प्राइसेस हैं, ठीक है, कि कितना है, कि अभी कितना चल रहा है। अभी देखो 3591 हो गया, समझ रहे हो, तो वो सीन है। नीचे लिखा है लेफ्ट में बाय है, राइट में सेल है। तो वो क्या करना है, अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आप सेल करना चाहते हो तो सेल कर सकते हो, और बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मैं बढ़ गया तो हम चाहे सेल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हो। तो वो सीन है, और इसमें ये सीन है कि ये पूरे टाइम 24/7 यू कैन ट्रेड। ये एकदम मेरी तरह उल्लू है, दे आर लाइक नॉक्टर्नल्स लाइक मी। कॉइन स्विच कुबेर पूरे टाइम काम करते हैं भाई, पूरे टाइम। रात में जैसे टीवी देखता हूँ, जैसे आप सुबह किताब पढ़ने कर दो ट्रेडिंग ना सुबह, ये हो गया। तो जैसे बाय किया, यहाँ पे बैंक डिटेल्स मांगा, बैंक डिटेल्स पे गए, बैंक डिटेल्स सारा भर दिया, ठीक है, एंड देन सिंपल बाय, दैट इज इट। 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, कितना टाइम लगा, 5 मिनट से ही आप, वेरी इजी है ना। लेकिन हमने तो सिर्फ 100 रुपये डाला है अभी भाई वीडियो के लिए, बट आप प्लीज़ रिसर्च करके डालिएगा, ऐसे मत डालिएगा, क्योंकि रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ाने जाते हो स्टूडेंट्स को, तो आप भी रिसर्च करते हो ना, तो अगर रिसर्च नहीं किया तो कोई पॉइंट नहीं है, देयर इज नो पॉइंट। रिसर्च करिए। कॉइन स्विच कुबेर का वेबसाइट है, जिसमें एक सेक्शन है कुबेर वर्स करके, वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रिप्टो इज देयर। प्लीज़ गो रीड, डू योर रिसर्च, यूज योर ब्रेन एंड यूज योर मनी स्मार्टली, ओके, ट्रेड इट स्मार्टली। And once you know about all the stuff, then please feel free to trade. And also, if you like this video, hit the like button, share it with your friends, comment down below, and don't forget to subscribe too. Okay, test it.